सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ ये एंटी स्पोर्ट्स GM320 गेमिंग माउस। और ये वाला जो इस माउस का मेरे पास आज वेरिएंट है ना, ये 2022 वाला वेरिएंट है। और जब आप बाय करते हो ना इस माउस को, तो वहाँ पर कहीं पे भी मेंशन नहीं होता कि ये 2022 वाला वेरिएंट है। पर अभी जो वेरिएंट मिल रहा है वो 2022 वाला ही वेरिएंट है। 2021 वाला वेरिएंट आपको अब नहीं मिलेगा। तो वैसे 2021 और 2022 वाले वेरिएंट बस एक ही डिफरेंस है कि 2021 वाले वेरिएंट में आपको 7200 DPI मिलती है, और इस 2022 वाले वेरिएंट में आपको 12,800 की DPI मिलती है। तो बस ये एक ही डिफरेंस है। बाकी जब आप सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करोगे ना इस माउस का, तो वेबसाइट में भी आपको दो ऑप्शंस देखेंगे, एक 2021 वाले वेरिएंट का सॉफ्टवेयर और एक 2022 वाले वेरिएंट का सॉफ्टवेयर। तो वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी इस माउस को बाय करने की, तो जैसा चाहो जब चाहो बाय कर लो जाके। तो वैसे जो माउस है उसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको इसमें 12 LED इफेक्ट्स मिलते हैं, साथ में एक म्यूजिक वाला इफेक्ट भी मिलता है, जिसमें कि माउस आपके PC में बज रहे म्यूजिक के हिसाब से रिएक्ट करता है। तो बहुत सही सही इफेक्ट्स हैं इस माउस में, और साथ में 1000 Hz का पोलिंग रेट भी है, जो कि इस प्राइस में आपको और कोई नहीं देता है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल रिव्यू करके बताऊंगा इस माउस का, और साथ में एक एक LED इफेक्ट आपको बिल्कुल डिटेल में दिखाऊंगा। तो वो सब देखने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। खैर, अभी चलो आगे बढ़ते हैं इस माउस के रिव्यू की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर बॉक्स एंड बॉक्स कंटेंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ इस तरह का बॉक्स आपको इस माउस के साथ मिलता है, जिसमें कि सामने आपका एंटी स्पोर्ट GM320 लिखा है, और यहाँ पर मेंशन किया गया है 12,800 DPI। तो Amazon पर आपको 7200 DPI दिख रहा होगा, लेकिन ये 2022 वाला वेरिएंट है, इसलिए आपको इसमें 12,800 DPI मिलती है। और बाकी यहाँ पर कुछ फीचर्स लिखे गए हैं बॉक्स पर, आप खुद देख सकते हो। और 1 ईयर की वारंटी है इस माउस पर, और पीछे यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखी गई है। यहाँ पर 1.5 मीटर की ब्रेडेड केबल आपको इसमें मिलती है, और यहाँ पर आपको 1000 हर्ट्ज तक का पोलिंग रेट मिलता है। और बाकी यहाँ पर MRP देखे तो 2799 MRP यहाँ पर मेंशन की गई है। तो अभी मैं आपको जल्दी से बॉक्स कंटेंट्स दिखा देता हूँ। तो ये तो ऐसा ही है, इसमें माउस आया था, माउस मैंने पहले बाहर निकाल के रखा है। बाकी ये देखे क्या है, तो ये एक आपका वेलकम कार्ड है। बाकी और देखे तो यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से ये क्या है, ये यूज़र मैनुअल एंड वारंटी कार्ड है। यहाँ पर आप इसको पढ़ लेना तो आपको माउस यूज़ करने में बहुत आसानी होगी। वैसे तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा इस माउस के बारे में, तो शायद ही आपको इसकी ज़रूरत पड़ी। और बाकी बॉक्स में आपको कुछ नहीं मिलता, और एक तो आपको ये माउस मिलता है, इसको मैंने पहली बार निकाला है। तो बॉक्स कंटेंट्स में आपके लिए बस इतना ही था। अब यहाँ पर लुक्स की बात करें, तो कुछ इस तरह के लुक्स आपको इस माउस में मिलते हैं, आप देख ही सकते हो अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ। और यहाँ पर आपको एंटी स्पोर्ट्स का लोगो मिलता है, और बाकी इस माउस का लुक तो LEDs चालू करने के बाद आता है, तो मैं LEDs चालू करके आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह के लुक्स मिलते हैं आपको इस माउस के RGB चालू करने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से ये सब आपको RGB मिलती है, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको डिज़ाइन दिया गया है RGB का। और साथ में ये जो एंटी स्पोर्ट्स का लोगो है, ये भी ग्लो करता है जो भी RGB आप इफेक्ट सेट करते हो उसके हिसाब से। और बाकी आपको यहाँ पर भी कुछ RGB के डिज़ाइन मिलते हैं, तो यहाँ पर भी आपको लाइट्स दिखती है। और बाकी सामने की तरफ देखो तो यहाँ पर भी आपको इस RGB का लाइट्स दिखती है। तो ओवरऑल आप देखो तो बहुत अच्छा लुक आता है इस माउस का आपकी RGB चालू करने के बाद। और साथ में आप ये भी देखो कि जब आप इस माउस को किसी सरफेस पर रखते हो, तो जो माउस के नीचे का सरफेस है वहां पर जो RGB की लाइट्स है वो गिरती है, तो इस वजह से जो इस माउस का लुक आता है ना, वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है इस सरफेस के ऊपर लाइट्स गिरने से, जो कि कुछ इस तरह का आपको दिखता है। अब इस माउस में आपको 1000 Hz का पोलिंग रेट भी मिलता है। वैसे तो 4 पोलिंग रेट मिलते हैं, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz और 1000 Hz। तो इस माउस के सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इन चारों पोलिंग रेट के बीच में स्विच कर सकते हो। तो एक्चुअली में ये पोलिंग रेट से डिफरेंस क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि टेक्निकली पोलिंग रेट क्या होता है ये तो आप गूगल यूट्यूब कहीं से भी जान सकते हो। मैं आपको एज अ नॉर्मल यूजर बताता हूँ कि एज अ नॉर्मल यूजर मुझे क्या फील हुआ है इस पोलिंग हर्ट्स के डिफरेंस से। तो बाय डिफॉल्ट जब मैंने इस माउस को अपने PC पे कनेक्ट करा सबसे पहली बार, तो तब ये माउस मुझे याद है 250 Hz के पोलिंग रेट पर सेट था। तो मैंने इस माउस को अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू 1000 Hz के पोलिंग रेट पर सेट करा। और वैसे जो मैं अपना पहला गेमिंग माउस यूज करता था ना, ये वाला माउस था, इसमें कहीं पर मेंशन नहीं कितने हर्ट्स का पोलिंग रेट था, पर अराउंड मुझे लग रहा है कि 125 Hz का ही पोलिंग रेट था। तो जैसे इस माउस को मैंने 1000 Hz के पोलिंग रेट पर सेट करा और फिर मैंने गेमिंग करके देखा ना, तो भाई मैं तुरंत डिफरेंस फील कर पा रहा था कि मतलब माउस इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब मैं इतने से मूवमेंट भी कर रहा था, तो मेरे एकदम छोटे छोटे से मूवमेंट भी ये माउस तुरंत डिटेक्ट कर रहा था, तो उससे गेमिंग में ना बहुत मजा आ रहा था। और शुरू शुरू में जब आप इस माउस को यूज करोगे ना 1000 Hz में, तो भाई आपसे तो कंट्रोल ही नहीं होगा ये माउस, मतलब आप अपने गेम में एम ही नहीं लगा पाओगे, क्योंकि मैं भी शुरू शुरू में एम नहीं लगा पा रहा था 1000 Hz सेट करने के बाद। तो करीब एक दो दिन तक तो मैंने 500 Hz पर इस माउस को यूज़ करा, और उसके बाद फिर मैंने 1000 Hz पर स्विच करा, और धीरे धीरे मुझे आदत लग गई इस माउस के इतने फास्ट रिस्पॉन्स टाइम की, और फिर अब मैं इस माउस को 1000 Hz पे यूज़ करता हूँ।
तो इस माउस का 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट ना सही में बहुत कमाल की चीज है गेमर्स के लिए। अब ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर इस माउस में आपको बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है। यहाँ पर आप ये वाला जो ये पूरा पार्ट देख रहे हो सामने का और राइट वाला पार्ट और ये लेफ्ट वाला पार्ट, तो यहाँ पर आपको फुली रबराइज्ड मटेरियल मिलता है और यहाँ पर आपको इन पार्ट्स में कोई भी प्लास्टिक नहीं मिलता है। डेफिनेटली रबराइज्ड मटेरियल के अंदर प्लास्टिक ही होगा, तो ओवरऑल आपको यहाँ पर सामने की तरफ पूरा रबराइज्ड मटेरियल मिलता है। और वहीं नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक मिलता है और यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4 रबड़ ग्रिप्स मिलती है। और वैसे रबड़ ग्रिप्स से याद आया, जब आप इस माउस को अनबॉक्स करोगे ना तो आप देखोगे कि यहाँ पर इन रबड़ ग्रिप्स के ऊपर एक पतली सी प्लास्टिक लगा हुआ आता है, तो उसको जरूर से निकाल लेना, तभी आपका माउस अच्छे से ग्लाइड करेगा। और वैसे इस थंब ग्रिप की बात करें तो ये थंब ग्रिप भी आपको पूरी तरह से रबराइज मटेरियल की मिलती है, तो इस थंब ग्रिप की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। साथ में ये बटन्स में आपको हाई क्वालिटी का प्लास्टिक मिलता है, तो बटन्स की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इस केबल की बात करें तो ये जो है ये आपको नायलॉन ब्रेडेड केबल मिलती है 1.5 मीटर्स की, तो केबल क्वालिटी बहुत अच्छी है। और यहाँ से आप देखो तो बहुत अच्छे से ज्वाइन किया गया है केबल यहाँ पर, तो आसानी से ये निकलेगा नहीं। तो ओवरऑल इस माउस की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन एंटी स्पोर्ट्स वालों को पता नहीं इस कनेक्टर से क्या दिक्कत हो गई, क्या पर्सनल दुश्मनी थी इनकी। ये जो कनेक्टर में आपको ये वाला जो हिस्सा मिलता ना, ये बहुत ही चीप क्वालिटी का प्लास्टिक का मिलता है। अब पता नहीं एंटी स्पोर्ट्स वाले ने ऐसा क्यों करा है, लेकिन ठीक है, इतनी सी जगह चीप क्वालिटी प्लास्टिक चलता है, यहाँ पर चीप क्वालिटी प्लास्टिक होने से कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल माउस में तो अपन को बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर इस माउस के कंफर्ट की बात करें तो बहुत ही कंफर्टेबल माउस है ये, एकदम अर्गोनॉमिक डिजाइन है इस माउस का, तो हाथ में बड़े अच्छे से फिट आता है। बस एक चीज है कि अगर आपको छोटे माउसेस यूज करने की आदत है ना और आपके हाथ छोटे हैं, तो आपको शायद ये माउस थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, बाकी मुझे तो ये माउस बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। बस शुरू में जो है ना ये माउस आपको उतना कंफर्टेबल नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है ना इस माउस का आप शेप देखो तो थोड़ा अलग सा शेप है इस माउस का, अगर आप नॉर्मल किसी भी और माउस से कंपेयर करो तो ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको इस माउस को एक हफ्ते का टाइम देना है और एक हफ्ते में फिर आपको इस माउस की आदत लग जाएगी, फिर बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा आपको ये माउस। क्योंकि शुरू में मेरे साथ भी यही हुआ था, शुरू में ये माउस बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। मैं गेम खेल रहा था तो गेम में एम तक नहीं लगा पा रहा था इस माउस से अच्छे से, मुझे इतना अनकंफर्टेबल ये लग रहा था और साथ में हाथ में दर्द भी होने लग रहा था थोड़ी देर माउस को यूज करने के बाद। तो बस मुझे एक हफ्ते का टाइम लगा इस माउस की आदत डालने पे, और अब तो मुझे ये माउस बिल्कुल कंफर्टेबल लगता है। और इनफैक्ट मैं तो लगातार 2-2 घंटे रोज इस माउस से वैलोरेंट खेलता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस माउस में, मैं आराम से कंफर्टेबल होकर गेमिंग कर पाता हूं और मेरा एम भी बिल्कुल सही लगता है इस माउस में, और इस माउस का वेट भी ज्यादा नहीं है, तो उस हिसाब से भी ये माउस आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है। और साथ में इस माउस में आपको पूरी रबराइज्ड ग्रिप मिलती है, तो उस कारण से इस माउस में ग्रिप भी बहुत अच्छी बनती है। और बस शुरू में क्या होता ना कि जब ये माउस नया रहता है तो इसकी ग्रिप भी पूरी नई रहती है, तो थोड़ा ये माउस आपके हाथ से फिसलता है, तो एक हफ्ते में वो चीज भी बिल्कुल सही हो जाती है, फिर आपकी ग्रिप भी इस माउस में बहुत सही बनती है। तो ओवरऑल मैं इसका कंफर्ट को सम अप करूं, इस माउस को यूज करके आप घंटों भी गेमिंग कर सकते हो एकदम कंफर्टेबल होकर। बाकी आप यहाँ पर बटन्स की बात करें तो इस माउस में आपको टोटल 8 बटन्स मिलते हैं, जिसमें कि 2 आपके ये लेफ्ट और राइट क्लिक है, 1 बटन आपके स्क्रॉल व्हील में है, और 2 बटन यहाँ पर और 1 आपको ये मैक्रो बटन मिलता है। इसको अगर आप नॉर्मली प्रेस करोगे ना तो आपका पीसी इस बटन को एज अ डबल क्लिक डिटेक्ट करेगा, और बाकी इस बटन को आप फुली कस्टमाइज कर सकते हो इस माउस के सॉफ्टवेयर के थ्रू। साथ में ये 2 बटन्स और ये दोनों बटन्स, ये 4 बटन्स जो है इनको भी आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हो, वो मैं आपको जब सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा ना तब समझाऊंगा। बाकी इन बटन्स के क्लिक्स की बात करें तो काफी सॉफ्ट क्लिक्स हैं इन बटन्स का, और काफी अच्छा फीडबैक मिलता है इन बटन्स को प्रेस करने पे। और वैसे इन बटन्स की साउंड की बात करें तो कोई ज्यादा नॉइस नहीं निकालते हैं ये बटन्स, बिल्कुल नॉर्मल नॉइस निकालते हैं जितना कि कोई भी माउस निकालता है। तो अब मैं आपको इस माउस के बटन्स का साउंड सुना देता हूं। तो चलो अब मैं आपको इस माउस को सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर अपन को मिलता है, पहले ये बता देता हूँ कि आपको इसको डाउनलोड कहाँ से करना है। तो सिंपली आपको एंटी स्पोर्ट्स की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल करो, 2 वेरिएंट्स देखेंगे, 2021 और 2022। 2021 वाले को इग्नोर करना, 2022 वाले को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि अपना 2022 वाला ही ये माउस है। तो अब सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, तो कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आपको इसके सॉफ्टवेयर का मिलता है। सामने की तरफ देखो तो बटन, मैक्रो, परफॉर्मेंस और बैकलाइट, ये 4 ऑप्शंस आपको ऊपर की तरफ मिलते हैं, और नीचे आपको अपनी डिफरेंट प्रोफाइल्स मिलती है, जैसे कि ऑफिस, गेम 1, गेम 2, मीडिया,
और ये सब प्रोफाइल्स है आपके पास, और यहाँ पर अप्लाई और कैंसिल का ऑप्शन है। साथ में म्यूजिक लाइटिंग वाले अफेक्ट का ऑप्शन भी आपको यहीं पर मिलता है। इसको तो मैं जब पूरा आपको RGB अफेक्ट दिखाऊंगा ना तभी कवर करूंगा, अभी इसको छोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप सामने की तरफ देखो तो ये जितने बटन आपको दिख रहे ना इस माउस पे, ये टोटल 8 बटन, ये बटन फुली कस्टमाइजेबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे यहाँ पर ये जो मेरा 6th बटन है, मेरा मैक्रो बटन, इससे मुझे कुछ और काम कराना है तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूंगा और आप देख सकते हो कितने सारे डिफरेंट फंक्शन मैं इससे करा सकता हूँ। अभी आप ये देख सकते हो जैसे एक्सटेंड है, मीडिया से रिलेटेड सब फंक्शन है, पबजी से रिलेटेड सब फंक्शन है। तो ये सारे कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इस माउस के बटन्स में। अब मैक्रो पर आ जाए तो यहाँ से जो है आप अपने जो मैक्रो वाली फंक्शनलिटी है ना उसको यहाँ से पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फिर आप यहाँ पर परफॉर्मेंस पर आ जाए तो यहाँ से आप अपनी माउस की पूरी परफॉर्मेंस एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको माउस सेंसिटिविटी, स्क्रॉल स्पीड, डबल क्लिक स्पीड ये सब मिलती है, और साथ में पोलिंग रेट को भी आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हो। और वहीं नीचे की तरफ आपको यहाँ पर DPI कंट्रोल मिलता है, यहाँ पर मैक्सिमम आप 12,800 DPI तक जा सकते हो। अब यहाँ पर 0 DPI दिख रहा है क्योंकि मैंने DPI को जो है वो माउस के बटन से ही स्विच कर दिया था। तो इसमें ये रहता है कि जैसे आप कोई भी बैकलेट इफेक्ट या फिर DPI वगैरह कुछ भी आप माउस के बटन से स्विच करोगे ना तो वो चीज़ आपके सॉफ्टवेयर में नहीं दिखेगी। सॉफ्टवेयर में आपकी सब चीज़ें वैसी दिखेगी जैसे आपने सॉफ्टवेयर से कॉन्फ़िगर करा था। तो ये चीज़ एक तरह से अच्छी भी है कि जैसे कोई और आपका माउस चला रहा है तो आप माउस से जो अपनी सेटिंग्स चेंज कर दो और वापस यहाँ पर सॉफ्टवेयर में आकर अप्लाई क्लिक कर दो और सारी सेटिंग्स आपके हिसाब से वापस माउस में लग जाएगी। तो अब जो है मैं आपको सारे RGB इफेक्ट्स दिखा देता हूँ एक एक करके पूरा डिटेल में। सबसे पहले RGB इफेक्ट से स्टार्ट करते हैं जो कि है DPI ब्रीदिंग इफेक्ट। इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट रहता है। इसमें क्या रहता है कि आप जो जिस DPI पे करेंटली अपने माउस को रखते हो ना उस DPI का जो कलर होता है वो ग्लो करता है। तो हर DPI का एक अलग अलग कलर है और स्पीड जो है इस इफेक्ट की उसको आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो इस स्लाइडर से। अब नेक्स्ट इफेक्ट पर आते हैं जो कि साइकिल ब्रीदिंग इफेक्ट। इसको अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हो ये भी ब्रीदिंग इफेक्ट है पर इसमें जो है वो कलर्स चेंज होते रहते हैं कुछ इस तरह से, और इसकी भी स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हो। अब अगले मोड पर आते हैं जो कि है लाइट ऑन। इस पर क्लिक करते हैं और इसको अप्लाई करते हैं तो अभी आप देख सकते हो लाइट ऑन में क्या है कि स्टेडी ऑन रहती है लाइट्स, कोई अफेक्ट नहीं होता, और इसमें आप ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। अब अगला इफेक्ट है फ्लोइंग वाटर इफेक्ट। इसको अप्लाई करते हैं और इसमें कुछ कुछ कस्टमाइजेशन मिलती है वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह का फ्लोइंग वाटर इफेक्ट होता है। अब इसमें मैं ये सिमेट्री वाला ऑप्शन ऑन करके अप्लाई कर दूंगा तो अभी आप देखोगे इफेक्ट एक तरफ से आ रहा है माउस में, अब सिमेट्री ऑन करने के बाद दोनों तरफ से इफेक्ट आएगा। तो अभी इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, आप अब देख सकते हो कि दोनों तरफ से इफेक्ट आ रहा है। सेम मैं यहाँ पर आपको 2-way करके दिखाता हूँ। तो 2-way में क्या होता है कि अभी इफेक्ट एक तरफ से आ रहा है, 2-way में दोनों तरफ से इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। और सेम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज और ओवरराइड में भी ये आपको इफेक्ट मिल जाता है। एक बार ओवरराइड में आपको दिखाई देता हूँ, ये अभी आपको 2-way चल रहा है, इसको मैं अब ओवरराइड करके दिखाता हूँ। ओवरराइड पे क्या है, एक कलर के ऊपर दूसरा कलर आएगा। ये देखो ओवरराइड अप्लाई हो चुका है, अब आप देख सकते हैं किस तरह का इफेक्ट आ रहा है। अब अगले इफेक्ट है यहाँ पर मोनो वाटर इफेक्ट। इसको अप्लाई करता हूँ तो मोनो वाटर इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, कुछ इस तरह का इफेक्ट है। ब्राइटनेस स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हो और सिमेट्री 2-way वगैरह के ऑप्शंस आपको इस वाले इफेक्ट में ही मिलते हैं। अब अगला इफेक्ट है यहाँ पर कॉमेट स्ट्रीक। इसको अप्लाई करते हैं, कॉमेट स्ट्रीक अप्लाई हो चुका है, कुछ इस तरह का ये इफेक्ट है। इसमें भी सारे कस्टमाइजेशन अभी आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो क्या क्या होता है। और अगला इफेक्ट है यहाँ पर नियॉन। इसको अप्लाई करते हैं तो नियॉन इफेक्ट कुछ इस तरह का दिखता है, और स्पीड जो है इस इफेक्ट की आप वो इस स्लाइडर के थ्रू एडजस्ट कर सकते हो। अब अगले इफेक्ट पर आते हैं जो कि है एम्बी लाइट। और ये एम्बी लाइट ने जो है मेरा फेवरेट इफेक्ट है, मैं ज़्यादातर टाइम अपने माउस को यही वाला इफेक्ट पर रखता हूँ। ये देखो बड़ा मस्त लगता है इफेक्ट, आपने बीरोज वगैरह में भी यही वाला इफेक्ट देखा होगा। इसके भी कस्टमाइजेशन अभी आप देख ही रहे होंगे। और अगला इफेक्ट है यहाँ पर फ्लिकर। इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो ये फ्लिकर इफेक्ट कुछ इस तरह का होता है, इस इफेक्ट में आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। अब अगला इफेक्ट है यहाँ पर स्टार ट्रैक। इसको अप्लाई करते हैं तो ये स्टार ट्रैक इफेक्ट कुछ इस तरह का दिखता है, सिंपल स्टेडी ऑन लाइट से, कोई इफेक्ट नहीं है। अब अगला इफेक्ट है यहाँ पर रिपल। इसको अप्लाई करते हैं तो ये रिपल इफेक्ट कुछ इस तरह का दिखता है, इसमें आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हो और दो और कस्टमाइजेशन है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये भी आप सामने देख ही रहे होंगे। अब यहाँ पर अगला इफेक्ट पर आते हैं एनरैप्चर्ड। तो इसको अप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह का आपका एनरैप्चर्ड इफेक्ट है, स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हो। अब लास्ट इफेक्ट है हमारे पास यहाँ पर बटन रिस्पॉन्स। इसको अप्लाई करते हैं, ये भी एक काफ़ी अच्छा इफेक्ट है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें अभी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे आपको बटन्स के साथ यहाँ पर इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या है कि मैं जो बटन प्रेस करूँगा ना उस बटन जो इफेक्ट असाइन होगा वो जलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट क्लिक मैंने यहाँ पर ब्रीदिंग रखा है तो ब्रीदिंग हो रहा है, और राइट क्लिक कर मैंने यहाँ पर कॉमेट स्ट्रीक रखा है तो कॉमेट स्ट्रीक हो रहा है। अब कोई भी इफेक्ट आपको चेंज करना हो किसी बटन का तो सिंपली उस पर क्लिक करो, 4 इफेक्ट आपको मिलेंगे, कोई भी इफेक्ट आपने कोई भी बटन में लगा लो। तो डिफरेंट डिफरेंट बटन्स में आप डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट यूज कर सकते हो, काफ़ी अच्छा इफेक्ट है ये वाला भी।
आपको एलईडी पसंद ना हो, इसे ऑफ करना है तो सिंपली यहाँ पर जाओ और एलईडी ऑफ का भी ऑप्शन आपको मिलता है, इसे अप्लाई कर दो। तो अब ये सारे इफेक्ट्स हो गए, अब आपको मैं म्यूजिक इफेक्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप होम में जाओगे तो आपको यहाँ पर म्यूजिक लाइटिंग का इफेक्ट मिलेगा, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और अभी आप देखोगे म्यूजिक लाइटिंग इफेक्ट ऑन हो गया, माउस मेरा रिएक्ट कर रहा है। करंटली पीसी में कोई म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा है और इस इफेक्ट में अभी आपको तीन इफेक्ट्स मिलते हैं चूज करने के लिए। ये वाला जो है ये स्टार लाइट है और फिर आपको ये फ्लिकर मिलता है और फिर आपको ये वेव मिलता है। जब आपके पीसी में कोई म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा होता है तो कुछ इस तरह का ही इफेक्ट आता है। तीनों इफेक्ट मैंने आपको अभी दिखा दिया बिना म्यूजिक के, और अगर इस इफेक्ट को आपको ऑफ करना हो तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है इसे ऑफ करने के लिए। तो अब जो है मैं आपको एक म्यूजिक प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का आपको इसमें म्यूजिक इफेक्ट मिलता है और ये सबसे बेस्ट और सबसे कूल इफेक्ट है जो कि आप इस माउस पे रख सकते हो। सो अब कंक्लूजन पर आ जाते हैं। तो नो डाउट ये माउस एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी गेमिंग माउस है, क्योंकि इस प्राइस में ये माउस आपको अच्छे लुक्स देता है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी देता है, 1000 Hz का पोलिंग रेट देता है, साथ में एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर देता है जिसमें कि आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, फुली कस्टमाइजेबल 8 फुली प्रोग्रामेबल बटन्स देता है और साथ में 13 RGB इफेक्ट्स देता है, तो आप रोज एक नया RGB इफेक्ट यूज कर सकते हो 13 days तक। सो ये सारी चीजें आपको इस प्राइस में ये माउस दे रहा है और कोई माउस नहीं देता है। तो अगर आप इस माउस को लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो बिना किसी सेकंड थॉट के इस माउस को ले लो, इससे अच्छा माउस आपको इस प्राइस में नहीं मिलेगा। तो बस चलो फिर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और फिर मिलूंगा आपसे ऐसे किसी वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।